गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे एक्सप्लेन किया था। आज उसी लेसन की एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, राइट? यह हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक है और यह हमारा लेसन नंबर 12 है, दुमदुमा गांव के बच्चे। इसी लेसन की एक्सरसाइज हम जो 82 पेज नंबर पर है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 82, लेसन नंबर है 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचकर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो पूछे हैं उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ एक अपनी नोटबुक में यहाँ पर आंसर लिखवाए हैं और यही पीडीएफ में भी आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत यानी कि सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर है कुआ, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि, ये पानी के स्रोत है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज हियर, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि पानी का उपयोग हमारा कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, आंसर में आएगा, उत्तर में आएगा, पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में, कारखानों में, इन सभी जगह पर हम पानी का उपयोग करते हैं, राइट? अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी कि मिसयूज। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो इसका आंसर यह है कि वन नंबर, पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। जो पीने के लायक पानी होता है उससे वो लोग हाथ पैर धोते हैं। और टू नंबर है, टपकते नल को बदलते नहीं हैं। अगर कोई नल लीक है तो वो लीक नल को वो बदलते नहीं है, यानी कि वो पानी जो टपकते नल से वो नीचे जाता है वो वेस्टेज होता है। इस तरह से लोग पानी का अपव्यय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे, यानी कि पानी का मिसयूज ना हो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका उत्तर इस तरह से आएगा, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु मैं, यानी कि पानी का मिसयूज ना हो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, वन नंबर में, जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा। जलाशयों पर यानी कि वो पानी की परब जहाँ होती है वहाँ पर सूचनाएँ लिखूँगा कि पानी को वेस्टेज मत करो, पानी का अपव्यय मत करो। फिर टू नंबर में, टपकते नल बंद करवाऊँगा। जहाँ जहाँ मुझे टपकता हुआ नल बंद दिखाई दे वो मैं बंद करवाने का वहाँ पर प्रयास करूँगा। और थ्री नंबर में है, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूँगा। यानी कि जितनी पीने के पानी की हमें जितनी ज़रूरत है तो उतना ही वो पानी का मैं उपयोग करूँगा। यानी कि अगर मुझे आधा ग्लास ही पानी पीना है तो पूरा ग्लास भर के मैं पानी नहीं लूँगा, बट आधा ही ग्लास पानी लूँगा जितनी की मुझे ज़रूरत है। इस तरह से मैं पानी का अपव्यय न हो इस हेतु मैं क्या करूँगा, प्रयत्न करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और ये जो ब्रैकेट्स हैं उसको ब्रैकेट्स कीजिए।
ओके देखो, तो यहाँ पर उन्होंने एक हमें लह लह लहा ए ये वर्ड्स हमें क्रॉस में हमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने उसको क्या किया है, ब्रैकेट्स बनाया है। उसी तरह से हमें दूसरे भी वर्ड्स 12 वर्ड्स को ढूंढना है, 12 वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढना है। और वो वर्ड्स कौन से हैं देखिए, जिसको हमें ब्रैकेट्स बनाना है। फर्स्ट तो उन्होंने करके हमें दिखाया है, सेकंड है भरना भरना, तीसरा वर्ड है कढ़ाही, चौथा वर्ड है प्रार्थना, पांचवा है नहाना, सिक्स वर्ड इज देयर बाहर, सेवन सातवां खेलना, आठ छपाछप, नाइन बरसात, टेंथ बादल, इलेवन तैरना तैरना, और लास्ट वर्ड इज हियर सबसे लास्ट वाला वर्ड है यहाँ पर 12 नंबर वाला दुमदुमा। ओके, ये वर्ड को हमें यहाँ पर ढूंढना है और उसे ब्रैकेट्स बनाना है। ओके, यहाँ पर थ्री ब ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए, यानी कि करेक्ट वर्ड हमें यहाँ इन वर्ड से हमें बनाना है। अभी देखो ब्रैकेट्स में उन्होंने कौन से शब्द दिए हैं, न शा प रो छ पा और मी, तो ये वर्ड्स को यूज करके यहाँ पर जो ये ब्रैकेट्स दिए हैं इसको हमें फिल करना है। तो पहले दिया है, पहला वर्ड है छ, क्या है छ, छ के बाद हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पा छ प, यानी कि ये वर्ड्स हमारा बन गया छपा छप। अभी देखो लास्ट में प है, तो यहाँ पर प के बाद रे लिख उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, तो प रे शा न, तो ये हमारा दूसरा वर्ड बन गया। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज दिया है, तो ब्रैकेट्स में कौन सा वर्ड यूज करने के बाद वो मीनिंग वाला वर्ड बनेगा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे रो रो ज। अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी न दिया है और उसके पहला वाला वर्ड हमें फिल करना है मी मीन, क्या यहाँ के देखो ज मीन, यहाँ ज है यहाँ मीन और यहाँ पर भी मीन। ओके, सो इस तरह से हमें ये ब्रैकेट्स को कंप्लीट करना है। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया है। ओके, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर प्लेस नहीं है, इसकी वजह से हम वो वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।